जय स्वामी नारायण। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आप यह 17 पाप करते हो तो नरक में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरु पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है, इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरु पुराण के सुनने का प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरु पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर यह 17 पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक वो कौन से ऐसे 17 पाप है जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। पहला, ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कर्मों और वादों को तोड़ना और भ्रूण हत्या करना या फिर भ्रूण हत्या को नष्ट करना आदि को गरु पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। तीसरा, किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। चौथा, पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक के जाने के ही संकेत होते हैं। पांचवा, जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है सताता है वो सीधे नरक में जाता है। छठा, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। सातवा, जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। आठवां, जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा कोई पराए व्यक्ति के साथ गलत नज़र से देखता है या फिर गलत विचार करता है या फिर मन में कोई छोटा सा खोट रखता है या फिर व्यभिचार करता है उसे गरु पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। नौवा, अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा करने वाला सीधे नरक में ही जाता है। दसवा, किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। ग्यारहवा, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है। बारहवा, हरे भरे वन जंगल फल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरु पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। तेरहवा, किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या फिर किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघ कर संबंध बनाना भगवान की नजरों में पाप है, ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। चौदह, पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ही ले जाता है। पंद्रह, जो व्यक्ति भगवान शिव विष्णु सूर्य गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता वो भी नरक में ही जाता है। सोलह, जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसके आड़ में वो अपराध करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। सत्रह, जो पवित्र आग पवित्र पानी
बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। अगर हमें नरक में जाने से बचना है तो हमें यह 17 पाप से दूर रहना होगा और सावधान हो जाना चाहिए, और जो पाप हो गए हमसे उस पाप का प्रायश्चित करें और प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद कोई पाप, कोई झूठ या व्यभिचार या किसी भी तरह का खराब नहीं करेंगे। वैसे भी भगवान ऑनलाइन है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है और आगे भी कोई भी कर्म छुपा नहीं रह पाएगा। जय स्वामी नारायण।